एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। हमारी ये कहानी एवरेस्ट में चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बिजेंद्री पाल की है, जिन्होंने पहले प्रयास में ही एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर विजय प्राप्त की थी। बिजेंद्री पाल हमें बताती हैं, एवरेस्ट में चढ़ने का हमारा ये सफर 1984 की गर्मियों में चालू हुआ। 7 मार्च को हमने दिल्ली से काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। वैसे महीनों पहले हमारी मदद करने के लिए 16 लोगों का एक बहुत ही मजबूत ग्रुप निकल चुका था, जिनका काम हमारे लिए रास्ता खोजना, जगह जगह पर रस्सियाँ बांधना और कैंप लगाना था। खैर, काठमांडू से हम एक महत्वपूर्ण स्थान नमचे बाजार पहुँचे, जहाँ से हमें पैदल ही हमारा ये एवरेस्ट की चढ़ाई प्रारंभ करना था। मैंने यहीं से पहली बार उस खूबसूरत एवरेस्ट को निहारा, जिसे यहाँ के नेपाली लोग प्यार से सागर माथा मतलब समुद्र का सर कहते हैं। मुझे तो ये नाम बहुत पसंद आया। वैसे जब मैंने एवरेस्ट को गौर से देखा तो ऊपर मुझे कुछ बहुत बड़ा सा सफ़ेद झंडा लहराता दिख रहा था। मुझे बताया गया कि ये झंडा जैसा लहराता सुंदर दृश्य एवरेस्ट की चोटी में 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज बर्फ के तूफान से बनता है। और मज़े की बात यह है कि हमें इसी तूफान के बीच एवरेस्ट के शिखर पर पहुँचना है। बस इतना ही मुझे डराने के लिए काफ़ी था। डेफिनेटली इस सफ़र में खतरा तो बहुत था, फिर भी मैं सफ़र के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और आखिरकार हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, और पहुँचते ही हमारा स्वागत एक दुखद घटना के साथ हुआ। हमें बताया गया, आपके लिए रास्ता खोजने और कैंप बनाने का सामान ढोने वाले कूलियों के 16 लोगों के ग्रुप में से आज ही निस्खलन मतलब बर्फ के पहाड़ के टूट कर गिरने से एक की मौत हो गई है। इस खबर से सबके चेहरे में एक उदासी थी, जिसके बाद हमारे कैप्टन कर्नल खुल्लर ने कहा, एवरेस्ट जैसे इस महान अभियान में खतरे और कई बार तो मृत्यु भी आपके सामने आएंगी, और आपको सहज भाव से इन्हें स्वीकार करना चाहिए। थोड़ी ही देर में हमारी मदद करने वाली सपोर्ट टीम के कैप्टन प्रेमचंद्र पेरिस लौट आए। उन्होंने हमें आगे की स्थिति से अवगत कराया और बताया, हमने एवरेस्ट शिखर तक पहुँचने के लिए 4 कैंप लगाए हैं। कैंप नंबर 1 6000 फीट की ऊंचाई में लगाया है, जिसके बाद कैंप नंबर 2, कैंप नंबर 3 और कैंप नंबर 4 पार करके आखिरकार आपको शिखर तक पहुंचना है। उन्होंने हमारी इस चढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया था। सही रास्ते के लिए चिन्ह के तौर पे पतंगियां लगा दी थी, सीढ़ियों का ब्रिज बनाकर और रस्सियां बांधकर सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया था। सारे कैंप्स में खाने का सामान, रस्सियाँ, सीढ़ियाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ही पहुँच चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया, पहाड़ अभी भी टूट कर गिर रहे हैं, हो सकता है हमारे बनाए हुए रास्ते के निशान मिट जाए और ऐसी स्थिति में आपको खुद ही रास्ते खोजने होंगे। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद हम पेरिस से बेस कैंप की ओर जा रहे थे, जहां हमें कुछ दिन रुककर वातावरण में रहना सीखना था, पहाड़ में चढ़ाई करना सीखना था और वहीं से हमें कैंप नंबर 1 की ओर निकलना था। कि तभी हमें बेस कैंप के रास्ते में खबर मिलती है कि बेस कैंप में खराब जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। इस खबर के बाद हम जीने मरने की सारी उम्मीद छोड़कर बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। बेस कैंप में पहले दिन हमने मौसम के अनुसार खुद को अडॉप्ट करना सिखाया। दूसरे दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाना, रस्सियों का अच्छे से उपयोग करना और बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी दीवार में रस्सियाँ बांधना सिखाया। तीसरे दिन हमें कैंप से सामान ढोकर ले जाने के अभ्यास का था। और आखिरकार बेस कैंप में 3 दिन रहने के बाद हम कैंप नंबर 1 की ओर निकल पड़े। हम पल पल की जानकारी वॉकी टॉकी के माध्यम से बेस कैंप तक पहुंचा रहे थे। हमारे कैप्टन कर्नल खुल्लर बहुत खुश थे, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत की कोई लड़की बिना डरे एवरेस्ट को जीतने निकल चुकी थी और मैं कैंप नंबर 1 तक पहुँचने वाली भारत की पहली लड़की बन चुकी थी। धीरे धीरे हमने कैंप नंबर 2 भी पार कर लिया और 15-16 मई को हम कैंप नंबर 3 में थे। हम लगभग 10 लोग कैंप के अंदर सो रहे थे कि तभी लगभग रात के 12:30 बजे एक धमाके के साथ मेरे सर में कुछ बहुत भारी सा टकराया। दर्द से मेरी नींद खुली तो एहसास हुआ मैं बर्फ के पहाड़ के नीचे दब चुकी हूँ। ये एक हिमस्खलन था और हमारे कैंप के सभी लोग बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे। मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी, लेकिन आखिरकार मेरी टीम द्वारा मुझे बर्फ के उस कब्र से बाहर निकाला गया। अगले दिन हमें हमारी सपोर्ट टीम वापस कैंप नंबर 3 से कैंप नंबर 2 पे ले आई। हमारे कैंप के सभी 9 पुरुष घायल थे।
किसी की हड्डी टूटी थी तो किसी को चोट आई थी और सभी को बेस कैंप वापस भेज दिया गया। तभी कर्नल खुल्लर मेरे पास आए और पूछे, क्या तुम रात को डरी थी? मैंने कहा, यस सर। उन्होंने पूछा, क्या तुम घर वापस जाना चाहोगी? मैंने बिना हिचकिचाहट के साथ उत्तर दिया, नहीं सर। और एक बार फिर हमने चढ़ाई प्रारंभ की और धीरे धीरे हम कैंप नंबर 3 और आखिरकार कैंप नंबर 4 में पहुंच गए। लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई मेरे दोस्त। कैंप नंबर 4 से हमें साउथ कोल कैंप और फाइनली साउथ कोल कैंप से शिखर तक पहुंचना था। और आखिरकार बहुत मशक्क़त के बाद हम कैंप नंबर 4 से साउथ कोल कैंप भी पहुँच ही गए। साउथ कोल कैंप पहुँचते ही मैंने अपने अगले दिन की सबसे महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी प्रारंभ कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। मेरे बाकी साथी, जिनका नाम जय की मीनू था, मतलब एक का नाम जय, दूसरे का नाम की और तीसरे का नाम मीनू था, ये तीनों काफ़ी पीछे थे क्योंकि वो काफ़ी भारी भारी सामान लेकर और तो और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ रहे थे। साउथ कोल कैंप पहुँचने के बाद अब मेरे पास चाय, जूस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नीचे वापस जाकर अपने टीम के लोगों की मदद ही कर दूं। कैंप के बाहर आते ही मुझे मीनू मिल गया। थोड़ी ही नीचे जाने पर मुझे जय भी मिल गया। उसने चाय पी लेकिन मुझे नीचे जाने से मना किया, लेकिन मुझे की से भी मिलना था, क्या पता उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैं थोड़ी ही और नीचे गई कि आखिरकार मुझे की दिख ही गया। वो मुझे देख के एकदम हक्का बक्का रह गया और कहा, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया बेचेंद्री? मैंने बहुत प्यार से कहा, अरे मैं भी तो तुम्हारे तरह पर्वतारोही हूँ, मैं भी तो इस कैंप का हिस्सा हूँ और देखो एकदम फिजिकली फिट हूँ। लाओ अपनी किट मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। की हंसा और कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम फिट नहीं हो, लेकिन मैं अपनी किट तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। हाँ लेकिन तुम चाय लाई हो तो लाओ पी लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम साउथ कोल कैंप वापस आ गए, वहाँ आराम किए और अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो गई अपने आखिरी पड़ाव के लिए। मैं कैंप के बाहर आई तो बाहर अंग्रोजी शिखर तक जाने के लिए तैयार खड़ा था वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ने वाला था, जिससे उसके पैर ठंडे पड़ जाते तो वो रात को कहीं और रुकना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उन्हें सुबह सुबह भोर पे ही निकलना था जिससे शाम होने से पहले पहले वो साउथ कोल कैंप वापस आ सकें। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी बेचेंद्री? वैसे एक ही दिन में चढ़ना और फिर वापस उतरना मुश्किल तो था, लेकिन उस समय कैंप का कोई और दिख भी नहीं रहा था, तो मैं अकेले उनके साथ चलने को तैयार हो गई। अंग्रोज जी और मैं एक निश्चित गति से चढ़ते गए। अंग्रोज जी ने मुझसे पूछा, तुम थकी तो नहीं बेचेंद्री? मैंने कहा, थकी? वो भी मैं? अजी बिल्कुल नहीं। वो बहुत खुश हुआ और कहा, अगर हम इसी रफ्तार से चढ़ते रहे तो दोपहर के 1 बजे तक शिखर पहुंच जाएंगे। हम शिखर पहुंचने ही वाले थे कि हवा की गति बहुत तेज हो गई और उस हवा में उड़ते बर्फ की वजह से हमें चारों ओर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आगे चढ़ान नहीं ढलान है। मेरी तो मानो सांस ही रुक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं दुनिया के सबसे ऊँचे स्थान एवरेस्ट की चोटी में खड़ी हूँ। और 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07 पे मैं भारत की सबसे पहली एवरेस्ट की चोटी में पहुंचने वाली महिला बनी। उस चोटी में हमारे पास इतनी भी जगह नहीं थी कि हम दो लोग एक साथ खड़े हो सकें। हमने सबसे पहले अपने फावड़े से खड़े होने की जगह बनाई और फिर मैं अपने साथ लाए एक लाल कपड़े में दुर्गा माँ की एक फ़ोटो और हनुमान चालीसा लपेट कर उसे बर्फ में दबा दिया। थोड़ी बहुत पूजा अर्चना की और भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का सौभाग्य दिया। इसके बाद अंग्रेजी ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने भी उसे बिना ऑक्सीजन दूसरी बार एवरेस्ट चढ़ने की बधाई दी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। हमने अपने कैप्टन कर्नल खुल्लर को वॉकी टॉकी से खुशखबरी दी। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई जरूर देना चाहूँगा। अब तुम जब वापस जाओगी तो तुम्हारे पीछे ये संसार बिल्कुल भिन्न होगा। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। देखने के लिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।